गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। अगर आप में से कोई चैनल पर अभी न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। न्यू घर में कितना क्या पैसा लग गया, इस टॉपिक पर बहुत जल्दी ब्लॉग आने वाला है। लगभग 9 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बना रही है रोटी। सब्जियाँ बना ली? क्या क्या बनाया? बनाएंगे ये आम का कुछ बनाया हुआ, इसको अपनी भाषा में लुंजी बोलते हैं ना। लुंजी लुंजी कुछ बनाई आम की, जो भी था ना वो आम का था। और इसके बाद सेव बनाओगे? अभी तो फिलहाल रोटियां ही बना रहे। क्या देख रहे हो? क्या हो गया? हो गया, खाना तो बन ही रहा है। अभी गेट खोलता हूँ। आज भी हवा तो चल रही है, बट आज का मौसम बड़ा अच्छा है। मतलब ज्यादा धूप नहीं लग रही है, मतलब धूप वगैरह ज्यादा नहीं है, ये किसी धूप की हुई है। हल्का फुल्का सा बारिश का मौसम वैसा ही कुछ है। और आज कितनी तारीख है यार, पता नहीं, आज शायद 24 तारीख है। 26 तारीख को इसी महीने मेरा आ रहा बर्थडे, मतलब 26 मई को मेरा बर्थडे है। ठीक है, आप लोगों को इस बार में पहले बता देता हूँ। मैंने ये अभी इसलिए बता दिया क्योंकि जब 26 तारीख को मतलब अगर बर्थडे सेलिब्रेट करना भी होगा ना, तो वो अपलोड 27 तारीख होगा, तब आपको सिर्फ 27 तारीख को ही पता चलेगा कि मेरा बर्थडे है। इसी वजह से अभी आप लोगों को बता दिया। ठीक है, याद रखना, मत जाना, मिस करना। और मतलब हल्की सी धूप आई थी, आप लोगों ने नोटिस कराई होगा, मैं कुछ बोल रहा था तब वो वापस चले गए। और इधर बिट्टू कार्टून देखते देखते इधर आ गए। क्या हो गया? धूप आ गया। ये धूप आ गई, देखो अब धूप आ गई। वो सूरज दिखा, पुराने घर में वो काम करवाया ना, वहाँ से ये थोड़ी बहुत ईंटें भी निकली थी, देखो यहीं पर रखी हुई है। तो ये पेड़ है ना यहाँ पर पीपल का, इसकी छाँव में यहाँ पर बहुत सारे ये बेलडोर बैठे रहते हैं। सेम की सब्जी बनी हुई थी। और इधर तन्ना ने तो नहा लिया है, अभी नहा लिया, अभी नंगा पुंगा बैठा हुआ, लेकिन दिखा नहीं रहा है। मम्मी पहना रहे कपड़े। और अभी मुझे जाना है एडिटिंग करने के लिए। दरवाजा बंद करके रखना पड़ता है क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि हवा चल रही है ना, कचरा अंदर जाता है। इसको खोलते हैं और वापिस थोड़ा अड़ा देते हैं। अब करता हूँ फटाफट अपने ब्लॉग की एडिटिंग। ठीक है, अरे कल की तरह बिट्टू देखो फिर ये झोली में आ गया। ये सही में सोया होगा कि नोटिंग कर रहा है? क्यों सो रहा है? तो दीदी अभी दोपहर में क्या कर रहे हैं? और खाना बनाया? शायद रोटियां घट गई थी तभी बनाई दोपहर में। मेरे बर्तन निकले, अभी साफ करेंगे शायद दीदी। इधर दीदी अभी बर्तन साफ करने के लिए आ गए यहाँ पे। अभी तो इनकी मजे है, आराम से सोने को मिल रहा है। देखो कल भी दिखाया था, देखो कुछ अपनी अपनी जगह रोक ली, वो भी बीच रास्ते में सोए हुए। देखो ये मेन रास्ता है हमारे घर के पास का, ये और यहाँ बीच रास्ते में सोए हुए, इनको कुछ डर ही नहीं है यहाँ से कहीं गाड़ी वाड़ी निकली तो। नहीं है गाड़ी, नहीं है, कोई नहीं आ रहा, सोते रहे भाई साहब, सोते रहो, सो जाओ। भाई फिलहाल तो मेरी एडिटिंग पूरी हो गई। वैसे भी कल आपने जो ब्लॉग देखा होगा ना, वो बहुत छोटा ब्लॉग था क्योंकि लाइट की वजह से मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाया था। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज था, उसकी वजह से मैं शूट ही नहीं कर पाया था। तो आप लोगों को भले छोटा ब्लॉग देखने के लिए मिला हो, बट उसको भी एडिट करने में टाइम लगता है क्योंकि ऐसा रहता है जितना भी हम शूट करते हैं ना, उसको पहले पूरा देखना पड़ता है, कौन सा अच्छा पार्ट है उसको ऐड करना पड़ता है। तो बहुत कुछ रहता है डेली लाइफ ब्लॉगिंग में भी, ऐसा नहीं कि सब नॉर्मल ही रहता है कि कुछ भी रिकॉर्ड कर दो, कुछ भी अपलोड कर दो। देखो कल जो मैंने ब्लॉग अपलोड करा था ना, उस पर इतना खास टाइटल नहीं था और इतना खास बना नहीं था, तो उस पर जो पहले व्यूज आते थे ना, उससे तो बहुत कम व्यूज आई। काफी सारे लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि बस कुछ भी दिन भर रिकॉर्ड कर लो और अपलोड कर दो तो व्यूज आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ भी अपलोड कर दो तो व्यूज आ जाए, कंटेंट अच्छा सा बनाना पड़ता है, टाइटल थंबनेल अच्छा सा रखना पड़ता है ताकि इंटरेस्टिंग लगे आपको कि हाँ चलो टाइटल आज का अच्छा है। क्योंकि आप में से काफी लोग बिना टाइटल थंबनेल के जो भी नॉर्मली भी देखने आ जाते, लेकिन ज्यादातर लोग ना टाइटल थंबनेल से ही ब्लॉग देखने के लिए आते हैं। फिर ऐसी सिचुएशन में काफी सारे ब्लॉगर क्या करते हैं, टाइटल थंबनेल फेक लगा देते, फिर अंदर वो चीजें देखने को नहीं मिलती, फिर जो व्यूअर्स है ना वो गुस्सा करते हैं कि हम लोगों को ये चीज मिली नहीं, आप लोग आप ऐसा क्यों करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता। आप लोगों को बताइए, जो मेरा टाइटल थंबनेल में रहता मैं वही दिखाता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं फेक चीजें अगर टाइटल थंबनेल में रखूंगा और अंदर वो चीज नहीं मिलेगी तो मुझे व्यूज तो मिलेंगे, लेकिन फिर आपकी नजरों में भी गिरता जाऊंगा कि व्यूज के लिए बंदा कुछ भी कर देता है, उल्टी सीधी चीजें रख देता है, तो फिर ये गलत हो जाता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, मैं ना आप लोगों के लिए भी सोचता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे बनाया हुआ है यहाँ तक, आप ही लोग मुझे सपोर्ट करते आए हो, फिर आप लोगों के साथ ऐसा करना तो फिर अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मैं एकदम रियल चीजें रखता हूँ चाहे व्यूज कम आए, और थंबनेल तो मेरा स्क्रीन शॉट ही ज्यादातर रहता है। थंबनेल के लिए कोई फोटोज वगैरह क्लिक नहीं करता हूँ, स्क्रीन शॉट ही रख देता हूँ। आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा, बहुत सारी चीजें रहती ब्लॉगिंग लाइफ में भी है। अगर आपने से भी कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है तो करो, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान में रखना कि ऑडियंस का कभी भी दिल मत दुखाना, क्योंकि
अपने लिए लोगों को जोड़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी देखो मेरे लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, कितने सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आसानी से नहीं मिलती। अगर मैं फेक चीज़ें दिखाने लगता हूँ तो बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता यार, मुझसे तो नहीं होगा, मुझे एकदम रियल चीज़ दिखाने की आदत है, और ये आपको भी पता है। और आज ज़्यादा मतलब कुछ खास टॉपिक नहीं था, तो मैं सोचा ऐसे थोड़ा बहुत स्पीच टाइप भी हो जाएगा, सो मैंने बोल दिया आप लोगों को कैसा क्या लगा बताना, ठीक है। वैसे तो काफ़ी लोगों से मैं अलग हूँ, मैं ना कभी किसी के साथ कोलाबरेशन करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मतलब रहती है ना कि ब्लॉगिंग लाइफ में ऐसा भी रहता है कि अगर आप किसी के साथ कोलाब वगैरह करोगे तो आपके व्यूज़ बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते रहती है, बट मुझे ये चीज़ें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि आप जो मुझे देख रहे हो ना, ये मेरी वजह से आप मुझे देखो, ना कि किसी और के रीजन से आप मुझे देखने हो, मैंने किसी और के साथ कोलाब करके ब्लॉग शूट करा और उसकी वजह से मुझे देखे, तो ये चीज़ मुझे करना अच्छी नहीं लगती। वैसे तो 99% लोग करता ही है, कोलाब वगैरह सब करते हैं, नॉर्मल सी बात है, बट ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मैं नहीं करता हूँ। आप लोगों को मैंने कमेंट नोटिस करे हुए कि आज तक आपने किसी और बड़े क्रिएटर के साथ क्यों नहीं शूट करा, क्यों नहीं ब्लॉग बनाते, ऐसा बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, तो उसका कुछ रीजन यही है कि मुझे एक अपनी अलग सी पहचान बनानी, और ये सी पहचान बनाना इतना आसान नहीं होता, बहुत टाइम लगेगा, वरना अगर किसी के साथ मैं कोलाब वगैरह करना स्टार्ट कर दूँ ना, तो बहुत जल्दी मेरे सब्सक्राइबर वगैरह सब बढ़ने लग जाएंगे। मैं जो भी करना चाहता हूँ अपने दम पर करना चाहता हूँ, और ये जरूर मैं कर लूँगा, क्योंकि मुझे ना अपने आप पर पूरा भरोसा है। जब मैं पहले कुछ भी नहीं था ना, तभी मुझे अपने आप पर भरोसा था, अभी भी मैं कर सकता हूँ, तो वैसे ही आप भी अपने आप पर भरोसा रखिए, पूरी ईमानदारी से काम कीजिए, सक्सेस जरूर मिलेगी, जैसे मैंने हासिल करी है। आपको पता है मैंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी हुई है, कैसे कैसे दिनों से हम लोग गुजरे और अब कहाँ तक आ गए हम लोग, अभी हमारा खुद का बड़ा सा घर बन गया जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो देखो अगर बंदा अगर सच्चे दिल से मेहनत करना चाहे ना, कुछ भी हो सकता है, अपनी किस्मत को बदल सकता है, जैसे मैंने बदली है। तो आज के लोग में तो ज्यादातर स्पीच ही होगी, आज मन ही कर रहा था कि आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूँ, ठीक है, सो मैंने कर दी। और इधर देखो बिट्टू, ये यहाँ आके टीवी बंद हो गई, फिर लाइट गई, लग जाएगी बेटा, सीधा लेट जाओ, ये बिछावा हुआ ना इस पे लेट जाओ बिट्टू, सुनो चलो फटाफट लेटो बेटा। बच्चे ना बहुत शैतानी करते हैं यार, अभी एक दो दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा जैसे बिट्टू बोल रहा था मुझे बाइक ले दो करके, काफी सारे कुछ कमेंट आए कि अभी से बच्चों की आदतें मत बिगाड़ो, आप बच्चों को बिगाड़ रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है कि बिट्टू ने जिसे बोला तो मैं उसकी फरमाइश पूरी कर दी, मैंने उसको समझाया कि बेटा अभी वो चीज़ अपन ला नहीं सकते, ऐसा नहीं कि मैं ला नहीं सकता, अगर जो बिट्टू मांग रहा ना वो मैं ला सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा कुछ ऐसा है कि मैं ना पहले जहाँ जरूरत है ना वहाँ पर पैसा खर्च करता हूँ। घर कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद घर के लिए भी सामान लाना है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो करना है, और जो बच्चों की ख्वाहिश है ना वो भी धीरे से पूरी होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से ऐसा नहीं कि बच्चों ने जो बोल दी वो सारी मांगे पूरी कर दी, इसमें भी बहुत कुछ देखना पड़ता है कि बच्चों की मांगे कैसी है, तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। देख हमारे माँ बाप ने भी हमको पाला पोसा बड़ा करा, तो बट बचपन में कुछ हमारी भी इच्छाएं थी जो हमको पता था कि हमारे माँ बाप भी वो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं कर सकते, तो हम लोग हमने कभी अपनी इच्छाएं वैसी उनके सामने रखी भी नहीं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, जो भी मिलता था ना हम उसमें खुश रहते थे। बट अभी के बच्चे आपको पता ही है, धीरे से जो बिट्टू की जीत है वो भी पूरी होगी, बट सही टाइम पर। बिट्टू नींद आ रही है, बस गई इच्छाएं, और आज का ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया टाइम पर ही। अब थोड़ा अच्छा भी लगता है कि मैं सही टाइम पर ब्लॉग अपलोड कर देता हूँ, जैसे कभी कभी काम शुरू हो जाता है ना, घर का काम शुरू हो जाता है ना, फिर काम में लग जाता हूँ, उसकी वजह से कभी कभी लेट हो जाते हैं ब्लॉग, बट अभी हो गया। तन्नो दीदी, इधर बिट्टू, इधर मम्मी, अमिताभ बच्चन की कोई मूवी है, कैसी मूवी दीदी? मस्त है, मस्त है, पुरानी मूवी है। डेली क्या हो जाता है बताऊं? डेली बिट्टू सिर्फ कार्टून देखता है, किसी को रिमोट भी नहीं देता है, बट आज पता नहीं इसको कैसे क्या दया आ गई सब पे, तो मूवी देखने के लिए दे दिया ना दीदी, लड़ाई करके ले ली रे मैंने। अच्छा इसको डाटा बिट्टू को तब दिया रिमोट, फिर भी उसी के हाथ में, बेटा कभी कभी सबको देखने दिया करो इसको कार्टून देखने का बड़ा शौक है, कार्टून देखना सीख गया है, तो साथ में ये भी। बेटा आप कौन कौन से कार्टून देखते हो? कन्ना कौन सा कार्टून? ये कैसा कार्टून होता है? वो पढ़ाई करने की कार्टून, पढ़ाई करने वाला कार्टून देखते हो, ऐसा कार्टून भी आता है? तो मैं टीवी ला देना, मैं छोटी सी टीवी। आप कौन सा कार्टून देखते हो पहले बताओ? मैं फुतलिया देखता हूँ। फुतलिया? ये कार्टून को फुतलिया बोलता है, मतलब हमारी निमाड़ी भाषा में कार्टून को फुतलिया बोलते हैं, ये बोलता है बेटा, उसको कार्टून बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्टून। हाँ कार्टून बोला करो, है ना, ये अच्छा लगता है ना। मेरा नाना हो गया और बिट्टू दोनों ना खेलने के लिए चले गए थे, देखो ये नाच रहा है, और मम्मी इधर खाना बनाने लग गए। क्या बना रहे आज? उड़द की दाल बहुत बन रही है मम्मी अपने यहाँ, ज्यादातर ना हमारे यहाँ उड़द की दाल ही खाते, तो वही बना रहे बीच में।
गया है कि ट्राइपॉड मोबाइल रखा रहा था, हवा में से लहरा रहा है, ट्राइपॉड गिर रहा है मोबाइल के साथ, ये मोबाइल गिरना है। तो देखो ये दोनों के दोनों मस्ती कर रहे हैं, खेलने के लिए निकल गए थे, अब नाश्ते नाश्ते आ रहे दोनों के दोनों। देखो चलो अंदर आओ घर में, चलो चलो गाड़ी आ रही बेटा, जल्दी हटो, देखो गाड़ी आ रही, हटो चद्दर डले ना इनके ऊपर, ऐसे पत्थर वगैरह सब रखने पड़ते हैं क्योंकि आंधी वगैरह आती है ना तो ये उड़ने का डर रहता है। खाना शुरू कर दिया, इधर तन्नु भी बैठ गई है खाना खाने के लिए, इधर दीदी भी, मम्मी भी खा रही है, देखो ये, और दीदी खा रही बाजरे की रोटी, बाजरा समझते हो ना अब। सभी ने खाना खाना शुरू कर दिया, अब मैं भी खा लेता हूँ। और जैसे आज का आपने ब्लॉग देखा ही होगा, बस थोड़ा मोटिवेशनल टाइप था, और ऐसा रहता है कि डेली ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल भी रहता है। मैं तो क्या, देखो रिकॉर्ड करना तो आसान ही रहता है, दिन भर का रिकॉर्ड करना इतना भी आसान नहीं रहता, उसमें भी बहुत कुछ करना पड़ता है। डेली ब्लॉगिंग में ऐसा रहता है कि मेन टाइटल और थंबनेल रहता है, बस उससे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। डेली क्या कंटेंट लाए, डेली कौन सा एक टॉपिक रखे जिसके ऊपर अपने को ब्लॉग बनाना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ज्यादा अच्छा टाइटल थंबनेल नहीं रहेगा तो व्यूज कम आएंगे। अभी देखना लास्ट दो एक ब्लॉग से व्यूज कम आ रहे होंगे क्योंकि इतना अच्छा टाइटल नहीं होगा या थंबनेल नहीं होगा। वैसे रिकॉर्डिंग डेली लाइफ एक जैसी होती, कुछ कुछ चेंजेस रहता है, बाकी गुड मॉर्निंग गुड नाइट वगैरह डेली लाइफ में एक जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो अट्रैक्टिव टाइटल रहता है ना वो होगा ना, तो ही आप में से काफी सारे लोग देखेंगे, वरना देखते ही नहीं है। रेगुलर अगर नॉर्मल चीज जो भी अपलोड करे उनको भी देख लेना, तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये बातें मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी सारे आप में से लोग ऐसे भी है जिनको ऐसा लगता है कि बस ब्लॉगिंग करना बहुत आसान रहता है, नहीं आसान रहता, बहुत मुश्किल रहता है। ये भी डेली टाइटल रखना बहुत मुश्किल का काम है। अभी मैंने 500 से भी ज्यादा ब्लॉग बना चुका हूँ मैं, तो मुझे पता है कि 500 ब्लॉग के टाइटल मैंने कैसे क्या रखे हुए हैं। इस ब्लॉग को ज्यादा बड़ा ना करते इसका एंड कर देता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।